सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आई एम रश्मि। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों में। सो दिस इज माय सेकंड डे एंड सेकंड मॉर्निंग मेरे गांव में, मेरे नानी के घर पे मतलब। और मैं अभी जा रही हूँ खेत में। जो मैंने पहना हुआ है इसे कहते हैं कंडी, और इसमें पता नहीं क्या लाने वाली है। मामी मेरी चली गई है, मुझे बोला है कि थोड़ी देर में आने के लिए, तो थोड़ी देर तो हो गई, मैं जा रही हूँ। और आज मैं आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, मतलब ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं नानी घर जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी वहाँ पे, तो मैं फाइनली आ चुकी हूँ। मेरा सप्ताह पूरा हो गया, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। अभी तो मैं रास्ते में हूँ, अभी मैं जा ही रही हूँ। रोड बाई रोड था। आई डोंट नो, आपको पुल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, वो रास्ता था। पर मैं यहाँ से जा रही हूँ शॉर्टकट वाले रास्ते से, और यहाँ पे काफ़ी झाड़ी झाड़ी भी है, और पीछे का व्यू भी बहुत सुंदर है। ऐसा रास्ता ये, तो आज आपको तो दिखाई दूंगी मैं अच्छे से सब कुछ। और मैं काफ़ी टाइम से, मैं तो सोची थी मैं आ ही नहीं पाऊंगी यहाँ, और मैं चली जाऊंगी, यहाँ बहुत सारी छिपलियाँ हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं आ ही नहीं पाऊंगी यहाँ, और मैं जल्दी श्रीनगर चली जाऊंगी तब तक। पर किस्मत देख लो, मेरी जो रियल सिस्टर है वो चली गई श्रीनगर, और मैं रह गई, और मैं यहाँ भी आ गई, मुझे मौका मिल गया आने का। तो फिर चलो डायरेक्ट आपको खेत में ही मिलती हूँ, बाय। तो कल जिस पुल पे मैं कल शाम को आई थी, मैं उस पुल पे फिर से आ चुकी हूँ। ये रहा पूरा पुल, ये जो कि BRO वालों का है, और मेरी मामी जो चली गई थी वो अभी पुल पे ही है। मैंने सोचा मैं लेट हो गई, पर मैं लेट नहीं थी, हम दोनों करेक्ट टाइम पे हैं। और एक यहाँ पे भी ना इन लोगों ने ना मछलियाँ पालने का बनाया हुआ, मछली पालना यही बोलते हैं शायद उसको, और पूरा बनाया हुआ। मैं आपको अभी नहीं दिखूंगी, जब मैं वापस लौटते हुए तब भी होंगे आप लोगों को। तो फिलहाल खेत तो सामने रहा मेरे, यह पूरा खेत, यह आधा पोर्शन है, इसका आधा पोर्शन उस साइड से मैं पूरा दिखाऊंगी आपको। और ये है मेरी मामी, और ये देखो जोशीमठ यहाँ पे से 31 किलोमीटर है, तपोवन 16, मतलब हम ज़्यादा दूर नहीं रहते यहाँ पे। श्रीनगर 179 एंड 284 ऋषिकेश, हम ज़्यादा दूर नहीं रहते, बस एक घंटे का, 1.5 किलोमीटर्स का है यहाँ पे, मतलब जोशीमठ से यहाँ का रास्ता। और बीच में रास्ता बहुत वो है, खतरनाक, मतलब क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे भैया लोग काम कर रहे हैं आज, ये लोग बना रहे एक छोटा मोटा दुकान। और फाइनली हम लोग ना रूम में ही खेत में एंटर हो चुके हैं, और मैं ये गंडी यहीं छोड़ूंगी, मेरी मामी ने कह दिया। और अब हम जाएंगे उन लोगों के पास। यहाँ पे काफी सब जगह तो राजमा ही बोया हुआ इन लोगों ने, इस क्योंकि सीजन ही है राजमा का, तो राजमा ही बोया हुआ है। और मैं इन लोगों को यहीं से दिखाऊंगी आप लोगों को, एक छोटी मोटी काम चलाओ दुकान है। और ये सेब के पेड़, सेब काफी लगे हुए, और ये छोटा सा नींबू का, अभी तक लगे नहीं नींबू, स्टार्टिंग मतलब शुरू ही हो रहा है, और सेब पक्के यहाँ झड़ भी गए हैं। ये तो मतलब दो चार लगाए हुए पेड़ वो ऊपर के साइड तो ये हैं, और बाकी जो मेन है वो नीचे के साइड है, मैं आपको दिखाऊंगी। नीचे चलते हैं फिर, ये भी, ये वाला भी नींबू का पेड़ है, इस पर नींबू अभी लगे नहीं क्योंकि अभी ना शुरुआती पेड़ है, मतलब इतने बड़े हुए नहीं अभी कि फल दें।
या अभी सिर्फ अपने आप को ग्रो कर रहे हैं बस। बहुत सारे नींबू के पेड़ काफ़ी हैं यहाँ पे, जो ये मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था पहिया का पेड़, ये पहिया का पेड़ है और बाकी वो सारे उधर नींबू हैं, दो पेड़ और हैं नींबू के। और बाकी राजमा बोया हुआ है, और राजमा तो आप लोगों को पता ही होगा। और एक और चीज़ है स्पेशल, जो आई डोंट नो आप लोगों के यहाँ क्या कहते होंगे इसे, ये है चुवा, इसे चुवा ही बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लड्डू भी होते हैं इनको, आई डोंट नो इसको आपकी लैंग्वेज में या किसी चीज़ दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे, पर मेरी लैंग्वेज में इसे चुवा बोलते हैं। तो और ये सबसे मेन पेड़ तो नहीं बोल सकते इसे, पौधा लगा हुआ, ये उसका क्या बोलते हैं सौंप तो पता ही होगा आप लोगों को, उस चीज़ का पेड़ है, सॉरी पौधा है ये। और बाकी दिखाती हूँ, जब स्टार्टिंग में सेब के पेड़ कैसे होते हैं वो दिखा देती हूँ मैं आपको पहले। मतलब अभी ये इतना बड़ा हुआ नहीं, छोटा ही है, बाकी जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मुझे इसमें तो चूहा दिख रहा है, आधे पार्ट में राजमा ही दिख रहा है। और यहाँ से पूरा सेब का बगीचा हमारा होता है स्टार्ट, और ये भी सेब है शायद, हाँ ये सेब का पेड़ है, इसके सारे सेब उतार दिए क्योंकि पक गए थे, शायद सारे पक गए थे, ऑब्वियस सी बातें उतार दिए होंगे, और सेब इतने सारे नीचे गिरे हुए ना ज़मीन पे, इतने पक के झड़ जाते हैं ये। पहले तो मैं एक डंडा रख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घास है, सांप भी निकल सकता है, पहले मैं डंडा ढूंढती हूँ। तो यार डंडा भी मैंने ढूंढ लिया, तो फिर चलते हैं आगे, आगे बहुत आगे तक है, बहुत लंबा है काफ़ी। सेब कुछ लाल हो चुके हैं, कुछ अभी हैं छोटे छोटे, ये वाले पूरे ग्रीन ग्रीन है ये, और ये वाले पूरे रेड हो गए हैं ये। मतलब पता है यहाँ पे सेब की वेराइटीज़ है कुछ, मतलब कुछ सीज़न से पहले जब ये सारे पौधे सॉरी सारे सेब ना हरे थे, तो उस टाइम पे कश्मीरी सेब है यहाँ पे पेड़ है, उसके ना वो जल्दी पक जाते, पर वो हल्के हल्के खट्टे होते हैं, पर अच्छे होते हैं, मुझे तो पसंद है। और ये सेब तो खाने लायक हो गए हैं, ये वाले भी और उधर वाले भी, उधर वाले और ये बाकी जो मेरे पीछे हैं ये तो अभी ग्रीन ग्रीन ही हैं। चलता है फिर आगे, ये देखो यार ये कितना छोटा सा पेड़ है पर इस पे सेब लग गए हैं, वो बहुत रेड कलर के। और एक और चीज, जब ना यहाँ पे मतलब टहनी पे सेब ज़्यादा लग जाते हैं तो पूरी टहनियाँ की टहनियाँ ऐसे टूट जाती हैं, नीचे ज़मीन पे आ जाती हैं, फिर ये सेब ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए ना इसको जल्दी जल्दी उठाना पड़ता है। आई डोंट नो इन लोगों ने क्यों नहीं उठाया अभी इतने जल्दी जल्दी। तो चलिए फिर चलते आगे यार, यहाँ पे ना इतने पेड़ है नीचे नीचे तक झुके हुए ना उससे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे निकलना कहाँ से। जैसे कि एक ये देख लो, यहाँ पे टहनी टूटने वाली थी, इसको सपोर्ट दे दिया इन लोगों ने, बाकी ये देख लो यार अब कितने रेड रेड है। चलो फिर चलते आगे, अगेन यहाँ पे फिर से ना इन लोगों ने फिर से राजमा ही बोया हुआ पूरा, और नीचे वाले खेत में भी राजमा है पूरे, और उधर भी काफी सेब है यार, दिख रहा होगा आपको। और ये तो ये बगीचा भी खत्म नहीं हुआ, आगे लेके चलती हूँ आप लोगों को। बस डर है मुझे कि मुझे सांप ना काट दे, क्योंकि यहाँ पे सांप तो होते ही हैं, इतनी झाड़ी झाड़ी लगी हुई है पूरी, तो सांप तो ऑब्वियस ही बातें होंगे सांप। और एक ऑर्डर है मुझे बिच्छू घास का, कंडाली आप लोगों ने, गढ़वाली लोगों को तो पता ही होगी कंडाली क्या होती है,
लग जाए ना, हाय हाय बहुत परेशानी हो जाती है यार। ये सेब के पेड़ इतने झुक गए हैं ना, इतना लोड हो गया बेचारों पे, तो ये टूटने को तैयार है। जैसे कि ये देख लो, इतना झुक गया पूरा, ये टूटने को ही तैयार है। फोटोज भी खींच लेनी है ना बीच बीच में। और ये भी सेब का पेड़ छोटा है, बाकी बहुत आगे तक है यार। तो चलो चलते फिर आगे की तरफ। और ये देख लो, मैंने आपको बताया था पहले ही कि यहाँ पे वैरायटीज है इन सेब के पेड़ों की। जैसे कि सारे अभी तक एक देखे होंगे आपने, पूरे ना रेड रेड थे, और ये वाला ग्रीन है, और एक स्टार्टिंग में भी ग्रीन था। अलग अलग वेराइटीज के ये, और ये ना सेब ज़्यादा बड़े नहीं होते, ये ग्रीन वाले, ये सिर्फ इतना ही साइज होता है इनको। और ये रेड तो होते ही नहीं, इनको ऐसे ही खाना पड़ता है ग्रीन वाले, ग्रीन ग्रीन। और पूरे देखो यार, पेड़ के पेड़ ऐसे लटक रहे हैं पूरे, इतना लोड हो गया इन पे। और दिखाती हूँ यार आगे आपको, तो पूरा दिखाना ही पड़ेगा, आगे तक जाऊंगी मैं। मुझे नहीं पता था इतने छोटे छोटे पेड़ों पे भी लगेंगे, पर लगे हुए। ये तो टहनियों की नीचे आई भी। बाकी ये पूरे ऐसी रेड रेड सेब लगे हुए, इस पे तो लगे नहीं अभी, ये अभी फ्रेश पेड़ है, मतलब छोटा है अभी नहीं लगे। किन्हीं किन्हीं छोटे पेड़ों पे लगे हुए हैं, कुछ कुछ पे नहीं लगे हुए, आई डोंट नो क्या है। ओ माय गॉड, मेरे पूरे उस पे ये लग गए कांटे, शिट मैन। एनीवेज जाके मैं कर दूंगी ठीक। और यहाँ पे ना इन लोगों ने इतने पेड़ की देखभाल करने के लिए भी रखा हुआ है एक चौकीदार, बिकॉज यहाँ पे ना क्या है कि वो है क्या बोलते हैं उसे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल उसे बंदर आ रहे हैं। और इंसान ही यहाँ से इतने सारे सेब हैं, पता ही नहीं चलता, सब ले लेते हैं। और जो बाकी सेब है उनसे ज़्यादा रेड है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। बाकी तो ये है, उधर उधर एक पोलम का पेड़ है, उधर हमारा नहीं है, पर वो किन्हीं और लोगों का है। ये पूरे सेब के पेड़ है, आगे और है, पर मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे डर लग रही है, क्योंकि घास यहाँ से ना आगे बड़ा बड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरे ऊपर पैंट पे बहुत कुछ लग गया। तो इससे आगे ऐसा और है, वो तो आपको लग ही गया होगा अंदाजा, इसके अंदर और देखिए बहुत आगे तक है, ऐसे ही सेम जैसे मैं आई हूँ। और मैं वापस जाऊँगी ऊपर वाले रास्ते से, पर उससे पहले जो सबसे रेड वाला सेब है ना उसको तोड़ूंगी और खाऊंगी पहले, फिर जाऊंगी। दुख होता है यार देखो, ऐसे ऐसे गिरे हुए से इतने, मतलब नुकसान तो होता ही है। आई डोंट नो ये इनका टेस्ट कैसा होगा, खट्टे ना हो जाए बस ये। ओ शिट, ये मैंने सिर्फ हाथ लगाया, मैंने सिर्फ हाथ लगाया, ये झड़ गया। और एक छोटा ले लेती हूँ, दो ले लिए मैंने, ये कांटा था, खट्टा खट्टा है थोड़ा, इसलिए रेड है ज़्यादा। चलो फिर चलते हैं दूसरे रास्ते से।
और यहाँ पे दो पॉली हाउस हैं, पहले तीन थे अब दो हैं सिर्फ। आई डोंट नो क्यों हटा दिया इन लोगों ने। यार इस खेत में ना जहाँ मेरी नज़र पड़ रही वहाँ पूरे वो पेड़ है, सॉरी ये राजमा बोया हुआ। बाकी तो ये है, इसमें पानी आता है, हौज बोलते हैं इसे, इसमें पानी कलेक्ट करते हैं। अगर नीचे चाहिए होगा सेब के पेड़ों के लिए या यहाँ पे कोई बोया हुआ कुछ भी तो यहीं से ही आता है। पूरे खेतों के इतना नहर भी है यहाँ पे पानी सप्लाई कराने के लिए। कि नीचे आपको दिख रहे होंगे, नीचे बहुत आगे तक नीचे नीचे पूरे सेब के बगीचे हैं। मैं आपको बोल रही थी ना बिच्छू घास जो हमारी थी उसको दिखाती हूँ। ये है वो बिच्छू घास। तो फिर देख रहा है आपको नीचे नीचे, और ये बाकी चूवा राजमा ही बोया हुआ पूरे खेतों में। ये है चूवा और इसी के साथ राजमा बोया हुआ इन लोगों ने। अब मैं एक बात बता देती हूँ क्यों चूवा और राजमा साथ बोया हुआ, क्योंकि देखो जो राजमा होते हैं ना इनके पौधों को डंडी या किसी चीज़ की ज़रूरत चाहिए होती है ऊपर बढ़ने के लिए, तो इन्होंने चूवा लगाया हुआ। अब राजमा बढ़ेगा तो राजमा ना चूवा को जकड़ लेगा, और जो इसी चूवा होता है ये ऊपर लगता है इसके ठीक ऊपर, तो इसको ना कोई भी वो नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती इसको बढ़ने में, तो इन्होंने इसलिए ये लगाया हुआ। ये तो हुआ हमारा आधा खेत, आधा खेत उस साइड और है जहाँ पे सेब के पोलम के नाशपाती के पेड़ हैं। अब देखो जाऊँगी मैं वहाँ पे अभी, पर मैं थक चुकी हूँ पता है, पूरा खेत घूम रही हूँ और ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा फ़ोन पकड़ के। पहले मैं बैठ जाऊँगी थोड़ी देर, तो उसके बाद आपको ले चलूँगी दूसरे उस दूसरे साइड खेत के। आई डोंट नो वीडियो कैसी बनी होगी, हिली होगी काफ़ी, क्योंकि मैं तो चल रही हूँ ना, और स्टेबल एक लिमिट तक हो पाएगी वीडियो। चलो यार फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यार काफ़ी देर में बैठी रही और जो मेरे पैंट पे बुरा लग गया था मैंने उसको निकाला, और चलते हैं फिर आगे। ओ डंडा ले लेती हूँ जो मैंने इतनी मेहनत से डंडा बनाया है। ये वैसे एक घास से, और ये घास ना इतना बड़ा हो जाता है कि ये इतना टाइट डंडा बन जाता है। मैंने इसकी टहनियाँ तोड़ दी, वैसे डंडा बना दिया। इनके लिए सही है यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं कि पेड़ के नीचे बनाया हुआ, और छाया भी हो रही है इनको और गर्मी भी नहीं लग रही है। यार जाना तो था पर घास ज़्यादा है, वो यहाँ पे सांप का डर ज़्यादा है। चलो मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ फिर। ये सारे सेब के हैं और यहाँ से नीचे खेत है और उसमें है पोलम, और जो सामने वो टूटा हुआ पेड़ है वो वाला वो भी पोलम का है, और असली पोलम का पेड़ मैं उधर है दिखाऊंगी। मैं आपको पुल से दिखा दूंगी बात, क्योंकि वहाँ जाना भी खतरे से खाली नहीं, बिकॉज दिन का टाइम है और सांप घूमेंगे वहाँ पे। तो चलते हैं देखते हैं ये लोग क्या काम कर रहे हैं, इनको इनसे ही बातें करते हैं थोड़ा बहुत। चलो और वन मोर थिंग, ये है हौज, फिर पानी कलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से छोड़ देते हैं जो नहर बनाई हुई इनमें छोड़ देते हैं, और फिर बहुत दूर तक जाता है। और एक मैंने नीचे दिखाया था हौज, वहाँ पे भी पानी कलेक्ट करते हैं और नीचे वालों के लिए। तो बस यहाँ पे पूरा सिस्टम है क्या कहाँ कैसे क्या होना है, बाकी देखते हैं। ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और अगर आप आओ कभी सराय ठोटा की तरफ तो यहाँ से ज़रूर सेब लेना, क्योंकि काम चलाओ सेब की दुकान बना रहे हैं। तो गाइस मैंने तीन सेब तोड़ लिया हम तीनों के लिए खाने के लिए, जो मेरे बाकी दो भाई है। और एक और बात, मुझे ना सेब के बारे में भी कुछ पता चला है, मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले ये खाती हूँ फिर उसके बाद आपको बताऊँगी। तो यार मैंने सेब खा लिया और मुझे पता नहीं था कि पौधे हैं क्या एक्चुअल में केसर के, यहाँ पे केसर भी बोया जाता है, तो ये हैं इनके केसर के पौधे, ये इन पे केसर होते हैं।
मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मुझे नहीं पता था ऐसे होता है केसर। और बाकी जो ना मैंने आपको ग्रीन ग्रीन सेब दिखाए थे ना, वो वाले हैं गोल्डन। वो ना क्या होंगे, वो रेड नहीं होंगे, वो गोल्डन कलर के हो जाएंगे और वो पक जाएंगे, मतलब खाने लायक हो जाएंगे। और जो ये रेड वाले पूरे सेब हैं वो डिलीशियस है। उन सेबों का नाम डिलीशियस है, मुझे नहीं पता क्या सीन है इनका, बट वो डिलीशियस है। वो वाले गोल्डन है। और एक हिमाचली थे, हिमाचली का पेड़, मतलब हिमाचली तो हो गए कब के खा भी लिए मैंने। अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी, और पेड़ आपको थोड़ी देर में जब घर जाते हुए मैं आपको दिखा दूँगी। तो चलते हैं। मैंने पता है फ़ोटोज़ मतलब खींची नहीं यार इनके बीच में, मैंने सिर्फ वीडियो व्लॉगिंग की बस। तो मुझे फिर मैं नहीं जाती, मुझे घर जाके रिग्रेट होती, मैंने कुछ भी नहीं किया वहाँ पे। इवन मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए भी एक फ़ोटो भी नहीं खींची। तो मैं जा रही हूँ और वहाँ पे एक दो वीडियो या फ़ोटोज़ तो खींच के ही आऊँगी। और मेरे मामा मामी मामी और मामी की बहन आई हुई थी, वो पता नहीं कहाँ है, वो नीचे की तरफ गई, मुझे बुला रही थी फिर मैंने मना कर दिया, तो फिर पता नहीं कहाँ चली गई। बाकी मैं फिर से यहाँ जा रही हूँ और फ़ोटो खींचूँगी। अब आपसे ना डायरेक्ट घर जाते हुए भी ही मिलूँगी मैं, मतलब तब तक मैं कर लूँ कुछ और काम। चलो ठीक है। फिर सेबों की बात कर रही थी मैं, वो ये हैं, इनको दिख रहा होगा आपको, डार्क येलो हो गया, फिर ये येलो ही होके ऐसे ही रह जाएंगे, बाकी कलर नहीं आएगा इन पे। गोल्डन गोल्डन सेब है ये। तो बस मैं आगे चल के फोटोज़ खींचती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। अभी बारिश हो रही है तेज तेज, मैं चश्मे पे ड्रॉप्स आपको दिख रहे होंगे, तो जल्दी जल्दी जाके आती हूँ फिर मैं वापस। तो यार मैं नीचे बगीचे में गई थी और मुझे इतने सारे मतलब गिरे हुए सेब मिले, तो मैं उठा ले आई। मतलब अभी बारिश तेज भी ना, तो इसलिए सब झड़ गए, तो मैं उठा ले आई और मैं घर ले जाऊँगी इनको, और इन्हें धो के अच्छे से खाऊँगी अब। तो चलिए चलते हैं फिर। और यहाँ पे काफ़ी सारी राजमा सूख गई थी तो उन्होंने निकाल दिए हैं, मतलब मेरी मामी ने निकाल दिए थे, और बारिश आने वाली तेज आ रही है, और तो अब हम घर जाएंगे। तो ये है वो रेड रेड सेब जो मैं लेके आई भी। तो गाइस हमने काफ़ी टाइम कर दिया है यहाँ पे स्पेंड, तो अब हम जा रहे हैं घर। और ये वाला आपको पेड़ दिख रहा होगा, ये वही सेब है हिमाचली वाले का पेड़ है जो कि ख़त्म हो चुके अब। और ये बाकी अखरोट के पेड़ लगाए हुए किनारे किनारे। और ये है हमारे पोलम का पेड़, ये वाला पूरा पोलम का है। और बाकी छोटे छोटे सेब लगे हुए इधर पे, और सेब के पेड़ ही है सारे। और पोलम का एक और पेड़ है, यहाँ से दिख नहीं रहा, सेब के पेड़ इतने हैं कि पोलम का दिख ही नहीं रहा, गायब से हो गया। और बाकी यहाँ मच्छी पालन है, यहाँ जाना था पर अभी लेट हो रही है हमें, तो पता नहीं मैं भी शाम को आऊँगी या कल आऊँगी, मैं आपको पूरा दिखाऊँगी मैं अच्छे से। और बाकी ये जो सामने आपको नीचे पेड़ दिख रहा है वो नाशपाती का पेड़ है, जब नाशपाती पक जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और घर पे भी है पेड़। तो गाइज मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ एंड होप्स आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। नई हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो और लाइक करो, और प्लीज़ मेरे 1K होने तक मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, उसके बाद भी करना ज़रूर, पर पहले मेरा चैनल मोनेटाइज होने तक तो कीजिए प्लीज़ यार, सपोर्ट करो शेयर करो। तब तक ले टेक केयर, स्टे हेल्दी स्टे सेफ, बाय।